मच अशोक जी ने फर्स्ट स्टेप जो उठाया है कि बोला सौरभ को एनकरेज करना है और थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, तो बहुत खुशी की बात है कि वो सौरभ की फिल्म जो जैसे बताया गया जो इतनी टाइट बजट में ऐसी फिल्म बनाई है कि आप एक सेकंड सोच नहीं सकते, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी फिल्म और हम लोग बहुत बड़े फैन हुआ करते हैं, जैसे श्रीराम ने बताया गोल्डी साहब, तो उनकी जो जो उनकी जो जॉनर की फिल्म है हम लोग आगे लेके थ्रिलर एज वेल एज म्यूजिकल। तो आज बहुत खुशी की बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब लोग आए हुए हैं टू एनकरेज एंड विश सौरभ एंड हिज एंटायर टीम। अच्छा तो मुस्तन भाई ने जो कहा भाई विजय आनंद साहब के तो हम लोग बहुत बड़े फैन थे, शायद तीसरी मंजिल कितनी बार देखी होगी हम लोग भी पता नहीं है। एंड जब हम लोग को कहा सौरभ के बारे में तो भाई हम लोग ट्रेलर डायरेक्टर है कुछ भी है, लेकिन सौरभ अपकमिंग आगे आ रहा है तो हम लोग उसका कॉन्फिडेंस उसका हौसला बढ़ाने आए हैं। और कुछ अभी अशोक जी बताया रहे थे हम लोग को अंदर थिएटर के अंदर कि अभी ऐसा प्रोग्राम सब डायरेक्टरों के लिए किया जाएगा, हर एक डायरेक्टर आके फिल्म देखेंगे यहाँ पर, तो पूरी टीम डायरेक्शन की ऐसा हम लोग एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देंगे। चाहे हर जॉनर की पिक्चर हो, कोई भी जॉनर की पिक्चर में जैसे फैमिली पिक्चर हो तो कोई जैसे डायरेक्टर आएंगे जैसे ये है तो सब लोग आएंगे एंड हम लोग सब कॉन्फिडेंस सबको देते रहेंगे। और वी विश ऑल द बेस्ट टू सौरभ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोला। और श्री राम और हम साथ में काम कर चुके हैं और पहली बार मिले थे तो इसी प्लेटफॉर्म पे मिले थे कि विजय आनंद की बात शुरू हुई, मैंने उनसे बहुत कुछ चुराया है उनकी नरेशन की स्टाइल, टेकिंग की स्टाइल, काफ़ी कुछ, तो वो हमारा एक कॉमन था। और जब सौरभ मुझे मिला तो एक बात समझ में आई कि इसका जो जोश है, वैसे लगता था मिलते कि यह कुछ ना कुछ कर देगा, जल्दी ही कर देगा। ये मुझे इंस्पायर कर रहा था, सर आप कुछ बनाओ, उस बीच में इसने बना भी दिया। और जैसा अभी सर ने बोला, मैं डायरेक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो उस नाते से अशोक जी का एक फ़ोन कॉल आना और डिसाइड करना कि सब डायरेक्टर्स मिलके नए डायरेक्टर्स को एनकरेज करेंगे, जितनी बार भी होगा उतनी बार हम लोग आए हैं, इसके लिए हम एक बार बुलाने से ही सब यहाँ पर आ गए। और वैसे भी सौरभ आने ही आना था, अशोक का नाम ही बोलता तो भी हमारे अरे उड़ गए यार। अभी अभी ट्रेलर देखा, देखते ही इतना जोर से कॉम्प्लेक्स हो गया कि यार ये हम नहीं कर सकते, अभी नहीं है क्या। बहुत अच्छा बना है, कांग्रेचुलेशंस, कैमरा वर्क बहुत सुपर्ब है। कहाँ गए वो, बैठे थे अभी। हाँ यार, वेरी नाइस वर्क, बहुत अच्छा काम। मैं कैमरा मैन हूँ बेसिकली, तो मैं कैसे रुक नहीं सका, बहुत बढ़िया काम किया। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम है, थैंक यू वेरी मच। एंड आपने भी बड़ा सुपर काम किया। I'd like to introduce the hero of the film, Sandeep Arad. पिक्चर के दो हीरो हैं, एक है शिव पंडित जो अभी विदेश में है।
ट्रेलर देखने के बाद क्या रिएक्शन रहा आप दोनों का, क्योंकि काफ़ी धमाकेदार ट्रेलर था, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्टर्स अभी इसके अंदर हम लोग को तो सब अच्छे लगे हैं, देखिए शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे जाते हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस थोड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, लुक देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से हमारी एक बार गोल्डी साहब के साथ बात हुई थी एंड हम लोग ने कहा था कि हम लोग इस आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही कॉन्फिडेंस हम लोग को गले लगाया। हमारी रोमांटिक थ्रिलर होगी। स्टार कास्ट के अंदर देखिए कि बिल्कुल फ्रेश स्टार कास्ट होगी, न्यू स्टार कास्ट, थ्रिलर पिक्चर एंड रोमांटिक पिक्चर। यस, तो इसके अंदर मेरा सन लॉन्च हो रहा है। यस, इनका टाइटल है मशीन, रोमांटिक थ्रिलर। कब तक है ये लॉन्च होगा? इंशाल्लाह मई में शुरू, इंशाल्लाह मई में शुरू होगा। सपोर्टिंग के लिए कोई और हीरोइन कौन? यू कवर सब अभी अंडर फाइनल है, जैसे सब फाइनल हो जाएगा अभी विदिन 15 डेज। मुझे ये तो नहीं पता ट्रेलर का रिस्पांस क्या है, पर ये पता है कि मैंने एक फिल्म बनाई है 7 आवर्स टू ग्रो। मैंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी मिकी वायरस, उसके बाद ये एक आउट एंड आउट थ्रिलर है, और ये थ्रिलर में एक अलग ही जॉनर है, जैसे तीसरी मंजिल, ज्वेल थीव, ये पिक्चरें होती थी जिसमें इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर एक जॉनर होता था, तो ये उस जॉनर की फिल्म है। इसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन है, रहस्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर 5 मिनट में बदलती हैं, तो एक ऐसी फिल्म बनाई है जो 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं है, और आप हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ एक इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा। तो एक अटेम्प्ट है मिनिमल बजट में मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए ये फिल्म बनाई है, और इस फिल्म की टैगलाइन है कि 7 घंटे हैं, एक आदमी ने 7 हॉस्टेज लिए हुए हैं और उसने 7 घंटे दिए हैं पुलिस को कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या वो पुलिस कर पाती है या नहीं, ये पिक्चर की कहानी है। मैं दरअसल एडवांटेज ये होता है कि कहानी खुद लिखने से एक किरदार दिमाग में होता है, अगर वो किरदार कोई एक्टर फिट हो जाता है तो इट्स बेटर टू यू नो टेक दैट कैरेक्टर। तो ये पूरी स्टारकास्ट मेरिट पे हमने कास्ट की है, ऑडिशंस लिए, बहुत सारी चीज़ें हुई, शिव पंडित ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, संदीपा धर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो ये वो फिल्म है जहाँ पर मेरिट पे लोगों को लिया गया है, और उन्होंने सारे भूखे लोग थे, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अगर ये फिल्म वर्क करती है तो सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कितना इंस्पायरिंग था आपके लिए ये, क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर्स आपको सपोर्ट करने आए, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर अशोक पंडित ने ये इनिशिएटिव लिया, और श्रीराम राघवन जी जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, अब्बास भाई, मस्तान भाई जिनकी फिल्म देख के मैं तो बड़ा हूँ और आप सभी बड़े हुए हैं, और बीपी सिंह जिन्होंने CID और आहट जैसी फिल्में बनाई, टीवी सीरीज़ बनाए हैं, तो इनका एक साथ एक स्टेज पे होना ही आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और ये सब आके एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 7 आवर्स टू गो को प्रमोट करने हैं, ये अपने में ही एक कहानी है। सो अगर आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप बोर नहीं हो सकते, इतना इनके पास एंटरटेनमेंट है, और आई एम ग्लैड कि मैं इनके साथ बैठ पाया और ये पिक्चर 7 आवर्स टू गो इन्होंने प्रमोट की। थैंक यू सो मच। 7 आवर्स टू गो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 4 बार देखी आज अभी, मतलब 2 घंटे में
और होल्ड करता है, पकड़ता है, एक मतलब टॉट जो एक्शन थ्रिलर का एक फील आता है उसमें. तो आई विश इट ऑल द बेस्ट, विश द फिल्म ऑल द बेस्ट. आपका जॉनर भी कहने में यही है, एक्शन थ्रिलर, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया इसलिए कि ऐसे फिल्मों में मतलब थिएटर में जाओ तो एक मोमेंट में मिलता है, यू आर टोटली हुक्ड ऑन द स्क्रीन. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग आई गॉट फ्रॉम द फिल्म. लेट्स सी, मैं फिल्म देखूंगा तो मैं और बोल सकूंगा फिल्म के बारे में. लेकिन देखिए मैं मतलब एक्ट्रेस को मैं पहली बार देख रहा हूँ एंड शी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक शी वॉज इंट्रोड्यूस एज द हीरो ऑफ द फिल्म एंड शिव पंडित आई सीन इन शैतान एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म बिकॉज दे आर यू नो फ्रेश एक्टर्स एंड एक फ्रेश लुक फील आता है फिल्म में. आज यहाँ पर इनको सपोर्ट करने आप जी को, तो आप जब इंडस्ट्री में नए थे तो आपको किसी डायरेक्टर ने सपोर्ट किया था, कोई ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे आज जो थे बीपी सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, उनके लिए मैंने काम भी किया, उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी. और उसके बाद रामगोपाल वर्मा थे जिन्होंने मेरी काम देखा और जो टीवी पे मैं करता था या कैनर्स एंड उनको अच्छा लगा तो इसलिए मुझे पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया मेरी. तो मैं बहुत लकी था, इसलिए मैं भी कोशिश जहाँ भी हो सके मैं किसी का हेल्प कर सकता हूँ. अभी बहुत जल्दी बताने में क्योंकि अभी तक मेरा कास्टिंग हुआ नहीं, बट स्क्रिप्ट इज रेडी ऑलमोस्ट, तो इसमें अपने अप्रैल में मालूम पड़ जाएगा पूरा. कौन से जॉनर में बदली है? जॉनर तो थ्रिलर ही है लेकिन थोड़ा इज डिफरेंट फ्रॉम बदलापुर, इट्स नॉट लाइक बदलापुर, थोड़ा अलग है. थोड़ा आई होप मतलब लोगों को भी लगे कि अलग, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रिलर. ओके, थैंक यू. मैं एक एसीपी का रोल निभा रही हूँ जिसका नाम है नंदिनी शुक्ला. बहुत ही नो नॉनसेंस डायरेक्ट लड़की है जिसके लिए या तो कुछ सही है या तो कुछ गलत है, वो ग्रे एरिया में नहीं घुसती है. बहुत नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है और उसको पता है वो इस सिचुएशन में आई है, उसको अपना केस सॉल्व करना है और यहाँ से निकलना है बस. ट्रेलर में हमने देखा कि काफी एक्शन था आपका, लंबी लंबी छलांगे लगे, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी इस किरदार के लिए आपको? काफी प्रिपरेशन करनी पड़ी एक्शन करने के लिए. मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग की है इस फिल्म में एक्शन करने के लिए, 6 महीने ट्रेन किया है. तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कुछ सीखना पड़ा. एक एक्चुअल इंस्पेक्टर के साथ 1 महीना टाइम स्पेंड किया ताकि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर पाऊँ, शूट कैसे करते हैं गन्स को वो सीखना पड़ा. और ऑफकोर्स जो बेसिक्स हैं, जो अपने लाइंस हैं, वो सब तो ऑफकोर्स हमने की. तो बहुत मेहनत करी है यार, बहुत यू नो खून बहा है बिकॉज बहुत एक्शन है, तो बहुत चोटें लगी हैं और बहुत पसीना बहा है फिल्म में और बहुत हार्डवर्क करी है. इसके अलावा यहाँ पर जो है इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए थे सपोर्ट करने के लिए फिल्म को, तो कितना प्राउड फील किया आपने फिल्म को लेकर? बहुत, मैं बहुत थैंकफुल हूँ यू नो इन सब की, चाहे वो यू नो अब्बास मस्तान जी हों, श्रीराम राघवन हों, अशोक पंडित जी हों, वीवी सिंह हों, वो आए और उन्होंने यू नो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, वो बहुत ही एनकरेजिंग है. और उनको ट्रेलर बहुत पसंद आया तो वो और भी यू नो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब यू नो ऐसे लेजेंड्स आपकी यू नो प्रोमो को अप्रिशिएट करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा. इसके अलावा उनसे कुछ बात हुई आपके किरदार को लेकर, क्या कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने आपको? बस उन्होंने ये बोला कि मैं जैसी इन पर्सन दिखती हूँ उसे कम्प्लीट ऑपोजिट फिल्म में लग रही हूँ और बहुत कन्विंसिंगली लग रही हूँ. आई थिंक फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार, थोड़ी डेंटी सी लड़की है. और अगर इफ़ आई एम एबल टू यू नो कन्विंस पीपल कि मैं एक हार्डकोर एक्शन रोल कर सकती हूँ, फॉर मी दैट इज़ अ बिग सक्सेस. इसके अलावा ये तो रहा एक्शन का जॉनर, ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है या फिर ड्रीम है आपका एक्सप्लोर करना? आई थिंक जॉनर्स नहीं है बट मैं बस अच्छी फिल्म्स, एक यू नो अच्छी स्क्रिप्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हूँ. ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू डू डिफरेंट फिल्म्स, डिफरेंट रोल्स, और बस यही कोशिश है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छी बात है. मैं बचपन से, मुझे ऐसा लगता है थ्रिलर फिल्म्स के जो है वो बहुत ही आकर्षित हो जाता था और बड़ा शौकीन रहा हूँ थ्रिलर फिल्म्स की, हॉरर फिल्म्स की. सो ये तो हमारे दोस्त की फिल्म है, सौरभ ब्रेक कर रहे हैं इसको, और उम्मीद ऐसी करता हूँ कि सौरभ वर्मा जो है राम गोपाल वर्मा से भी बड़ा नाम हो जाएगा इस फिल्म के बाद. और फिल्म का टीज़र देखा था मैंने थोड़ा पहले एंड आई लव्ड इट. मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ हॉलीवुड टच भी था फिल्म में एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस को तो जीतेगी ही, इसके साथ साथ लोगों के दिलों को भी जीतेगी इंशाल्लाह जी.
संदीपा धर की एक्टिंग की बात करें तो किस तरह की एक्टिंग? जी मैं उनसे अभी भी मिला, संदीपा धर बहुत ही एग्रेशन से भरी हुई युवती हैं, महिला हैं, और वो बहुत ही उनके अंदर एक फायर मुझे दिखा। जैसे कि मैंने सुना कि आप फिल्मों में क्या होता है कि अमूमन लड़कियां प्यार इश्क और रोमांटिक इमेज ज़्यादा बनाना चाहती हैं, रोमांस ज़्यादा करना चाहती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने एक्शन वैक्शन करके कुछ एक डिफरेंट जगह बनाने की कोशिश की है, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ कि उनका अच्छा हो इस फिल्म से और कुछ एक अलग इमेज निकल के आए उनकी इस फिल्म से। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू हर। या फिल्म के लिए ये लुक, फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बताना भी नहीं चाहिए, तो फिर अभी सब बता दूंगा तो बाद में मज़ा किरकिरा हो जाएगा, तो थोड़ा इंतज़ार करें और इंतज़ार की घड़ियाँ जल्दी ख़त्म होंगी और फिर आपको पता चलेगा जब पर्दा उठेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। पहले फिल्म की शुरुआत आपने एक्शन से की थी, तो हाँ, ये फिल्म का जॉनर क्या होगा? एक्शन होगा? एक्शन है, ये भी एक्शन है, ये फिल्म भी एक्शन है, और देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन द फिल्म, और मज़ा आएगा आपको आई एम श्योर। सो एक्शन कहीं ना कहीं बहुत पसंद है मुझे, मुझे ऐसा लगता है एक पावर आता है उसमें, एंड अल्लाह का करम है कि अपन पावरफुल है, तो वैसे ही काम करेंगे ताकि उसमें जो है वो कुछ ना कुछ एक मज़ेदार चीज़ निकल के आए। लेकिन उम्मीद ऐसी करता हूँ कि हमारे जो फैंस हैं वो वेट करें कि संतोष शुक्ला जय हो के बाद अब क्या करेगा, पर्दा उठेगा और किस रोल में दिखेगा, तो वो एक सरप्राइज होगा। दिस टाइम इट विल बी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जय। ट्रस्ट मी, लव यू ब्रदर, टेक केयर।